तो दोस्तों स्वागत है आपका इंट्राडे सीरीज के दूसरे वीडियो में। पहला वीडियो आई होप आपने देख लिया होगा और मार्केट ट्रेंड को समझ गए होंगे। तो पहला काम क्या था आपका इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय, मार्केट के ट्रेंड को समझना कि अगर आपको मार्केट का ट्रेंड समझ में आ गया, क्योंकि ट्रेंड ही भगवान है और मार्केट का ट्रेंड ही आपको सब कुछ मदद करता है आपको प्रॉफिट में लाने के लिए और बड़ा मुनाफा कमाने के लिए। तो ट्रेंड आपको समझ में आ गया। अब दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो आती है रिटेल इन्वेस्टर की, कि स्टॉक सिलेक्शन, कि कौन से स्टॉक में काम करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बात करूंगा कि स्टॉक सिलेक्शन पे आपको कैसे काम करना है और उन्हीं स्टॉकों में क्यों काम करना है, इसके पीछे मैं आपको रीजन बताऊंगा ताकि आपकी जो क्लियरिटी है वो बिल्कुल समझ में आ जाए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बात की स्टॉक सिलेक्शन, ट्रेंड आपने समझ लिया कि ट्रेंड पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो आपको समझ में आ गया। अब स्टॉक सिलेक्शन की बात करते हैं। तो दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन में दो कंडीशंस होती हैं, मार्केट में दो कंडीशंस होती हैं, मार्केट या तो प्लस होगा या माइनस होगा, यानी मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। मान लीजिए मैं दोनों को यहां पे मार्केट प्लस, मार्केट नेगेटिव, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है, तो क्या करना है आपको? जब मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है तो आपको कौन से स्टॉक में काम करना है? वो स्टॉक में काम करना है जो 2% से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, 2% से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, या फिर 2% से, ये तो ऊपर हो गया ये नीचे हो गया, ठीक है। मार्केट जब प्लस है तब आपको 2% ऊपर और 2% नीचे वाले स्टॉकों में काम करना है, ठीक है। 2% ऊपर वाले और 2% नीचे वाले ट्रेड में क्यों काम करना है, अब मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। तो कि स्टॉक सिलेक्शन में आपको इसके बीच के कोई भी स्टॉक है उनमें काम नहीं करना है आपको, ठीक है। 2% से ऊपर ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मार्केट में जो स्टॉक में मूवमेंट रहता है वो कितना रहता है, 4 से 5% का, यानी 2% वाला ऊपर का स्टॉक ऊपर 3% 4% और ऊपर जा सकता है और 2% नीचे वाला स्टॉक वो नीचे से रिकवर करके ऊपर आ सकता है। तो आगे के 4-5% आप कमाने के लिए आपको ये चीज ढूंढनी है, ठीक है। तो आप कैसे ढूंढोगे ये चीज? आप इजीली मार्केट वॉच में लगाओगे अपने स्टॉक और उसमें आपको मिल जाएंगे। जैसे कि निफ्टी में अगर आप देख रहे हो तो निफ्टी में आपको पता चल जाएगा कौन सा स्टॉक 2% नीचे ट्रेड कर रहा है, 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट मार्केट की कंडीशन क्या है, पॉजिटिव। अब मैं बात करता हूं कि 2% ऊपर वाले में क्यों काम करना है। देखिए दोस्तों 2% ऊपर वाला स्टॉक में आपको इसलिए काम करना है क्योंकि जब 2% ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और मार्केट भी प्लस है, मार्केट भी प्लस है, तो हो क्या रहा है कि ये जो 2% का स्टॉक है इसमें स्ट्रांग मोमेंटम है क्योंकि मार्केट भी प्लस है, तभी तो ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर आपको किसी स्टॉक को बाय करना है और मार्केट प्लस है तो आप सबसे पहले किस स्टॉक को बाय करोगे? जाहिर सी बात है जो प्लस में ट्रेड कर रहा है, जो 2% 3% ऊपर ट्रेड कर रहा है, मैं उसी को ही तो बाय करूंगा क्योंकि वो मार्केट के साथ साथ चल रहा है, जैसे मार्केट ऊपर है वो भी ऊपर है भाई, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इस पर लॉन्ग पोजिशंस बन रही है, लॉन्ग पोजीशन बन रही है, इसीलिए ये स्टॉक और भागने की दम रखता है और ऊपर चला जाएगा, और ऊपर चला जाएगा ये स्टॉक। तो 2 से ये हो सकता है 5% पे क्लोजिंग दे, 7 पे दे या 10 पे दे दे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। तो पहली चीज समझ में आ गया आपको किस स्टॉक में काम करना है, 2% से ऊपर वाले स्टॉक में, ठीक है। दूसरा है अगर आप 2% से ऊपर वाले में काम नहीं करना चाह रहे, ठीक है मत करो कोई दिक्कत नहीं है, तो 2% से नीचे वाले में काम करो, ठीक है। 2% के नीचे वाले में, अब 2% के नीचे वाले में आपको क्यों काम करना है वो मैं आपको बताता हूं। 2% से नीचे वाले में आपको क्यों काम करना है, 2% से नीचे वाले में इसलिए काम करना है कि जब वो कोई स्टॉक गिरा तो क्या बने उसमें, शॉर्ट, ठीक है। बट हो क्या रहा है कि मार्केट पॉजिटिव है तो ये स्टॉक बार बार, क्योंकि स्टॉक कैसे चलता है ऐसे, ये गिर गया फिर यूं रिकवर कर रहा है, ये यूं 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 कर रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर गिर रहा है, तो क्या है कि इस स्टॉक के चांसेस हैं कि ये
बिकॉज मार्केट पॉजिटिव है तो इसमें जो शॉर्ट है ये ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि जो सुबह बेच के गया माल वो ज्यादा बड़ा माल नहीं था, वो तो सिर्फ बेच के गया था क्योंकि उसकी मेंटेलिटी थी कि वो बेचना चाह रहा है इसको। क्योंकि सिंपल सी चीज है, अगर सुबह कोई स्टॉक 2% नीचे गिरा, इसका मतलब क्या था कि बेचने वाले ने एक दिन पहले ही उसको प्लान कर लिया था कि मैं इस स्टॉक को अगले दिन बेच के ही जाऊंगा, तो उसने बेच दिया, उसका काम खत्म हो गया। बट मार्केट तो सब लोगों से चलता है ना कोई तो बायर आएगा ना इसको, कोई ना कोई बायर तो खरीदने की कोशिश करेगा ना, तो चांसेस रहते हैं कि ये स्टॉक ऊपर रिकवर करके आ जाएगा क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है। आपने देखा है कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है और मेरे को ऐसे स्टॉक में काम करना है जो कि सुबह सुबह तेजी से गिर गया, तेजी से गिर गया तो वो हो सकता है कि 12 बजे या 11 बजे के बाद वो रिकवर कर जाए, इसीलिए मुझे इस स्टॉक में काम करना है। काम कैसे करते हैं, वो स्ट्रेटेजी होती है, वो कि मैं आपको तीसरे वीडियो में बताऊंगा कि उस स्ट्रेटेजी को आपको कैसे लगाना है, क्या कंसेप्ट है, क्या स्टॉप लॉस लगेगा, वो सारी चीजें उसकी बात है, बट ये है स्टॉक सिलेक्शन की बात। तो यहाँ पे लॉजिक क्या यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है तो वो स्टॉक रिकवर करके ऊपर आ सकता है, इसीलिए हम उसको बाय साइड खेलने की कोशिश करेंगे, सेल साइड खेलने की कोशिश नहीं करेंगे। बिकॉज मार्केट पॉजिटिव है, हमने देखा है मार्केट पॉजिटिव है, इसलिए हम 2% ऊपर 2% नीचे वाले स्टॉक में काम कर रहे हैं। बीच वाले स्टॉक में हम इसलिए काम नहीं करते क्योंकि बीच वाले स्टॉक की डायरेक्शन नहीं पता लग पाती कि वो स्टॉक ऊपर जाने को तैयार हो रहा है या नीचे जाने को तैयार है, क्योंकि वो बीच में इसलिए ट्रेड कर रहा है 1% आधा परसेंट पर इसलिए ट्रेड कर रहा है क्योंकि उसमें वॉल्यूम नहीं है। जाहिर सी बात है कोई स्टॉक 2% नीचे होगा 2% ऊपर होगा तो उसमें वॉल्यूम तो होगा, हमें क्या चाहिए स्टॉक मार्केट में, वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम नहीं होगा तो हम स्टॉक में मोमेंटम कैसे आएगा, तो वो चीज है। तो यहाँ पे हम 2% ऊपर और 2% नीचे वाले काम स्टॉक में काम करेंगे जब मार्केट पॉजिटिव है। सेम इसका उल्टा है मार्केट अगर नेगेटिव है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मार्केट अगर नेगेटिव है, मार्केट पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, बाय साइड। मार्केट नेगेटिव है तो क्या ढूंढेंगे हम, शॉर्ट साइड। तो शॉर्ट साइड में हम किसमें काम करेंगे, सेम 2% ऊपर वाले को शॉर्ट करेंगे और 2% नीचे वाले को शॉर्ट करेंगे, बीच वाले को नहीं करेंगे। रीजन सेम रीजन, जैसे हम मार्केट प्लस था तो स्टॉक 2% जो प्लस था वो ऊपर जा सकता है, तो सेम मार्केट नेगेटिव है तो 2% जो स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है तो उसमें शॉर्ट बन रहे होंगे, शॉर्ट बन रहे होंगे तो वो और नीचे आ सकता है बिकॉज मार्केट नेगेटिव है। नेगेटिव आ सकता है तो हो सकता है वो 4% नीचे बंद हो सकता है 6% नीचे बंद हो सकता है 7% हो सकता है 8% हो, ठीक है। अब जो 2% ऊपर, जो 2% ऊपर काम कर रहा है, ये तो हो गया 2% नीचे वाला, जो 2% ऊपर काम कर रहा है, जो सुबह सुबह 2% ऊपर गया स्टॉक, उसमें क्या हुआ कि मार्केट नेगेटिव है तो कोई ना कोई सेलर उस पर हैवी होगा। जाहिर सी बात है कि मार्केट में सब लोग बेचना चाह रहे हैं तो ये स्टॉक को ऊपर टिकने क्यों देंगे, इसको टिकने क्यों देंगे, हर कोई इसको बेचना चाहेगा, कहेगा यार ऊपर काम कर रहा है प्रॉफिट बुक करो, जो भी सुबह मिल रहा है जल्दी से निकलो। तो यहाँ पे जो लॉन्ग वाले होंगे वो ट्रैप होते हुए दिखाई देंगे, तो ट्रैप होंगे तो क्या होगा, स्टॉक नीचे इनकी शॉर्ट लॉन्ग कवरिंग के लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से नीचे आएगा स्टॉक, तो 2% वाला स्टॉक 4% नीचे भी बंद हो जाता है। तो आपको क्या करना है, हमेशा सबसे पहले क्या दिखता है कि मॉर्निंग में देखो 9:15 से लेके 10 बजे के बीच में वो लोग ट्रेड करते हैं जो स्पेकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। स्पेकुलेशन का मतलब सिर्फ कितना होता है, सट्टेबाजी। कि अगर आपको स्मार्टली सेंसेबल ट्रेडिंग करनी है, अगर आप चाहते हो कि मार्केट में मुझे कंटिन्यूअसली प्रॉफिट मिलेगा, तो आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अगर कंटिन्यूअसली प्रॉफिट बनाना चाहते हो आप मार्केट से, ऐसा नहीं है कि हर दिन आपको पॉजिटिव मिलता है, हर दिन आपको मार्केट पैसा देता है, ऐसा नहीं है। जिस दिन आपका लॉस होगा वो कम होगा, लेकिन जिस दिन आपका मुनाफा होगा वो बहुत बड़ा होगा, इसीलिए आप प्लस में बंद होगे, इसीलिए आप पूरे दिन काम कर पाओगे। आप देख लेना यूट्यूब पे इतने सारे लाइव ट्रेडिंग वाले वीडियोस डले होंगे, इतने सारे चीजें डली होंगी, मैंने कभी लाइव ट्रेड का वीडियो नहीं डाला क्योंकि मैं 9:15 से 3:30 तक काम करता हूँ, 3:30 तक इतने बड़े कंटिन्यूअसली मैं, और जिसमें कि मेरा जो सक्सेस रेट है वो 30% का है, तो मैं आपको कैसे पॉजिटिव ट्रेड दिखा सकता हूँ। मैं आपको पॉजिटिव ट्रेड तभी दिखा सकता हूँ जब मुझे सिर्फ आपको पॉजिटिव ट्रेड ही दिखानी है। पॉजिटिव ट्रेड का मतलब ये होता है कि मैं तभी ट्रेड डालूंगा कि जब मुझे पता है 100% कॉन्फिडेंस है मुझे कि इसमें मुझे मुनाफा हो जाएगा, और जैसे ही मुझे 4-5 पॉइंट मिल जाएंगे वैसे ही मैं निकल जाऊंगा। क्योंकि एफएनओ में ट्रेड होता है, यहाँ पे
जाहिर सी लोगों के कैश में कोई काम नहीं करता, सब लोग एफएनओ में काम करते हैं। एफएनओ में काम करने का रीजन क्या है, क्योंकि एफएनओ में अगर आपको 5 पॉइंट से लेकर 10 पॉइंट तक मिल जाते हैं तो आपका जो मुनाफा होता है एक ट्रेड का वो 4,000 रुपए के करीब हो जाता है, इतना करीब आपको मुनाफा मिल जाता है। बट अगर आपको लॉस होता है तो वो कभी 10,000 का हो जाता है, कभी 15,000 का हो जाता है, कभी 20,000 का हो जाता है, क्योंकि आप कमाने सिर्फ 4 से 5 पॉइंट आए हो। बिकॉज आपको ये दिखाना है कि मैं हर ट्रेड प्रॉफिट में डालता हूं। अगर आप हर ट्रेड प्रॉफिट में डालते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बंदा खराब है, सब अच्छे हैं, बट ये चीज है कि अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है 9:15 से 3:20 तक के पूरे मार्केट का कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद आपको पता चलता है कि मैं मार्केट में क्या जीत सकता हूं। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मैं किसी भी लेवल पे आके मार्केट में बाय सेल करता रहूंगा और एक स्टॉक में 4-5,000 का मुनाफा कमा भी लूंगा, तो वो फिर आपके लिए काम आएगा, औरों के लिए काम नहीं आएगा। तो ये चीज रहता है आपको। तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी है आपको, कि दोबारा से मैं एक जल्दी से रिमाइंड कर देता हूं, कि आपको ट्रेड हमेशा अपनी ट्रेड एक लॉजिक के हिसाब से डालनी है, कि बिना लॉजिक के कोई ट्रेड नहीं डलती। ठीक है, मार्केट प्लस है, आपको समझ में आ गया मार्केट प्लस है तो मुझे प्लस साइड पे खेलना है। तो प्लस साइड पे खेलने के लिए 2% ऊपर का स्टॉक देखा, 2% नीचे का स्टॉक देखा। अब इसमें भी आपकी कुछ चीजें होंगी कि इसमें भी आपके क्या होगा कि ऊपर की साइड 4-5 स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं तो उनमें काम करूं या नहीं करूं, तो आप सब में काम करो। आपको पता चल गया ना 2% से ऊपर वाले काम करना है मेरे को, भाई ऐसा तो नहीं है एक स्टॉक ही चलेगा, हो सकता है चारों के चारों चल जाए। मान लो कि 2%, जैसे कि मैंने बोला कि 2% आपने स्टॉक ढूंढे, 3 स्टॉक मिले आपको, ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि 2% से ऊपर वाले में काम करो, तो आप तीनों में काम करो ना, स्टॉप लॉस लगाओ और तीनों में काम करो, बिकॉज मार्केट प्लस है, हो सकता है तीनों के तीनों चल जाए आप, या फिर आप जो स्टॉक में आप काम करोगे पता लगा वही नहीं चला बाकी दोनों चल गए। क्योंकि ये चीज तो मैं भी नहीं बता सकता ना आपको, भाई ये चीज तो मैं भी नहीं बता सकता कि कौन सा चल सकता है कौन सा नहीं चल सकता है। अगर आपको फिल्टर ही करना है कि अगर आपको 4 स्टॉक मिलते हैं और उन 4 में से आपको सबसे अच्छे वाले स्टॉक में कंपेयर करना है, तो आप उनके 4 का वॉल्यूम देख लो। सबसे अच्छी चीज होती है वॉल्यूम देखना, कि 4 स्टॉक को आपने देखा कि उस दिन कितना वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है, कितना वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है, जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है उसमें आप काम करो। कि अगर आपको ऊपर की साइड देखा आपने 3 स्टॉक मिले और आपको 1 स्टॉक में काम करना है, तो आप उन 3 स्टॉक का वॉल्यूम कंपेयर कर लो कि वॉल्यूम कितना किसमें चल रहा है, जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है उसमें आपको काम करना है। ठीक है, ये एक कंसेप्ट का हो गया। नहीं तो मैं तो बोल रहा हूँ तीनों में काम करो, 10,000 कैपिटल है तो 10 को डिवाइड कर लो तीनों के साथ से, तीनों में बाय ट्रेड डाल दो, हो सकता है तीनों चल जाए, हो सकता है एक चल जाए 2 आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे, या हो सकता है 2 चल जाए 1 स्टॉप लॉस। अपॉर्चुनिटी आपको ऐसे ढूंढनी है, लॉजिक ये है स्टॉक सिलेक्शन का। ठीक है, ऐसे सेम 2% से नीचे जो स्टॉक काम कर रहे हैं उसमें क्या देखना है आपको, कि आपने देखे जब मार्केट प्लस है तो 2% नीचे का काम करना है, हमेशा बाय साइड पे काम करना है जब मार्केट प्लस है तब। ठीक है, 2% नीचे है स्टॉक तो आपको मान लो 5 स्टॉक मिले, अब 5ों में आप काम नहीं करना चाहते, 5ों में नहीं काम करना चाहते, तो क्या देखना है आपको, वॉल्यूम, कि जिसका सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा, सबका हाई वॉल्यूम स्टॉक वाले में आपको काम करना है, हाई वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम का रीजन क्या है, बिकॉज यहाँ पे हाई वॉल्यूम है और स्टॉक नीचे है तो चांसेस बन रहे हैं कि ये रिकवर कर जाएगा, आप देख लीजिएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये कंसेप्ट मैं इसलिए आपको सैटरडे को दे रहा हूँ, ताकि आप इसको बिल्कुल 2 दिन में बार बार वीडियो देख के समझ जाएं और क्लियर कर लें और अपनी टॉपिक बना लें, अपनी डायरी में नोट डाउन कर लें कि मुझे क्या क्या चीजें देखनी है। मार्केट ट्रेंड मैंने देख लिया, स्टॉक मेरे को कैसे देखने हैं, स्टॉक देखने के बाद मैं अभी स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाऊंगा, उसको भी मैं आपको दूंगा, फिर आपको स्ट्रेटेजी कैसे अप्लाई करनी है वो चीज बताऊंगा। तो मार्केट में आपको कौन से स्टॉक में काम करने हैं, 2% से ऊपर वाले में, 2% ऊपर 2% नीचे, मार्केट प्लस है बाय साइड पे। जब मार्केट नेगेटिव है तो 2% ऊपर वाले में आपको सेल करना है और 2% नीचे वाले में आपको सेल करना है। ठीक है, सेम इसका अपोजिट है,
यहाँ पे आप बाय कर रहे हो बिकॉज मार्केट पॉजिटिव है, यहाँ पे आप सेल कर रहे हो बिकॉज मार्केट नेगेटिव है। तो सेम चीज इसमें भी हम वॉल्यूम देखेंगे, किसका वॉल्यूम ज्यादा है उसका ही वॉल्यूम हम यूज करेंगे और उसको यहाँ पे शॉर्ट साइड पे प्ले करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है। तो ये है कंसेप्ट स्टॉक सिलेक्शन का। स्टॉक सिलेक्शन के बाद, ठीक है दोस्तों, ये था कंसेप्ट स्टॉक सिलेक्शन का। अब जो अगला कंसेप्ट है, लास्ट कंसेप्ट है, वो है स्ट्रेटेजी कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस तो आप अपना अपने हिसाब से लगा दीजिए, क्योंकि स्ट्रेटेजी बेसिस पे स्टॉप लॉस मिल जाता है कि आपको कैसे स्टॉप लॉस लगाना है। चाहे आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का वो स्टॉप लॉस मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको लगाना है, कि अगला वीडियो जो है वो स्ट्रेटेजी का है कि आपको स्ट्रेटेजी कैसे यूज करनी है। कि आपने स्टॉक देख लिया, आपने मार्केट का ट्रेंड देख लिया, स्टॉक देख लिया, अब स्ट्रेटेजी कैसे अप्लाई करनी है वो है तीसरा वीडियो, जो कि इसके बाद है। तीनों वीडियो को एक एक करके ही देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, आधे घंटे का कंसेप्ट है, आधा घंटा एक घंटा मैटर नहीं करता है, क्योंकि पैसे का लेन देन है यहाँ पे, आपका पैसा चला जाएगा, फायदा कुछ है नहीं, या कुछ आपको लॉस होगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। वीडियो देखोगे तो कुछ चीजें समझ में आएंगी, थोड़ा बहुत भी ज्ञान मिलता है तो आपके लिए मिलेगा। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूंगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।